सो so, बच्चों ये पोयम एक परी के ऊपर एक राइटर ने अपने परी के लिए कहा है परी वो कौन थी वो परी एक तितली होती है एक सुंदर तितली होती है जिसे उस राइटर ने एक बहुत ही अद्भुत या सबसे खूबसूरत इस धरती पे कहा है ओके और उस तितली की अपने शब्दों में तारीफ की है ओके सो दिस वॉज द पोएम नाउ वी विल डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड दिस पोएम वॉज रिटेन बाई डॉक्टर पी के वर्मा ओके सो नाउ वी आर मूविंग टू द एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यू कैन सी हियर वर्ट डज द पोएट फील अबाउट द फेरी ओके सो हम इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखेंगे ओके या लाइक दिस वज द पोएट फील अबाउट द फेरी तो हमारा आंसर होगा द पोएट फील दैट हर ब्यूटी इज टू ब्राइट एंड सी इज सॉफ्टर दैन फ्लावर ओके पोयम राइटर उस उसके बारे में उस परी के बारे में क्या सोचता है ओके okay? या क्या महसूस करता है उस और राइटर उसके बारे में यह महसूस करता है कि वो उसकी सुंदरता बहुत ही तेज है या उज्जवल है एंड सी इज सॉफ्टर देन फ्लावर और वो एक फूल से भी नाजुक है ओके सो नेक्स्ट है हमारा बच्चों हु इज द फेरी इन द पोय इस पोएम में फेरी कौन थी परी कौन थी ओके किसको यहां पर परी कहा गया है ओके अ ग्लिटरिंग बटरफ्लाई इज द फेरी इन द पोएम एक सुंदर तितली एक परी इस पोएम में है ओके नेक्स्ट है हमारा नंबर थ्री हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर ब्यूटी तो पोएट ने उस, उसकी ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब किया है या उसका वर्णन कैसे किया है ओके सो so हमारा आंसर होगा द पोएट डिस्क्राइब हिज ब्यूटी बाई कॉलिंग हर अ फेरी ऑन अर्थ दैट इज सो ब्यूटिफुल एंड वेरी सॉफ्ट इन द वर्ल्ड गैलेक्सी एंड देर इज नो अल्टरनेशन टू फाइंड लाइक हर ओके और उसका कोई अतिरिक्त या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है नो no अल्टरनेशन या फिर उसका उसके अलावा कोई दूसरा अतिरिक्त नहीं है उसके समक्ष ओके सी इज सो प्रिटिएस्ट इन दर्ड्स ऑफ राइटर ओके नेक्स्ट है हमारा बच्चों नंबर फोर वॉट इज अंच गोल्डन डेफोडिल्स ओके एक गोल्डन डेफोर्डिस का गुच्छा क्या है ओके गोल्डन डेफोडिल्स इज अ रिलायबल स्प्रिंग फ्लावर गोल्डन डेफोडिस एक विश्वसनीय स्प्रिंग फ्लावर है या बसंत ऋतु का फूल है एंड ईच ईयर दे प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग सीजन और प्रत्येक साल ये बसंत ऋतु में प्रस्तुत होते हैं या उत्पन्न होते हैं ओके सो दिस इज इट नंबर फोर नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिव द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग हमें इन यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें इनसे मिलते जुलते इनकी प्रोनाउंसिएशन से राइमिंग कब होता है समकक्ष वर्ड ओके या मिलते जुलते वर्ड्स ओके जिनका फ्रुएसी इनसे मिलता जुलता हो वैसे वर्ड हमें यहां से डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे ब्राइड का लिखेंगे हम राइट ओके ब्राइड को हम राइट right लिख सकते हैं डिलाइट को लाइट लिख सकते हैं ओके okay? पावर को अवर शाइन को नाइन ओके राउंड को हम साउंड लिख सकते हैं ओके okay? बटरफ्लाई को फ्लाई लिख सकते हैं ओके okay? ट्रीज को हमने बीज लिखा है एंड मूड को लिखेंगे फूड ओके सो स्टूडेंट्स नाउ द कंप्लीट चैप्टर हैज Chapter number two has ended now completely. Okay. So for any query about your subject related problems, okay, you can contact on these numbers on your home screen now and subscribe your school YouTube channel so missing convent school on YouTube. So keep learning macho, stay safe, and thank you.